very warm welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, dosto, serial Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein अब आने वाला है इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव किरदार। अभी तक शो में सभी की दुश्मन और अभी तक जो विलन इस शो में नजर आ रही थी वो थी दूर्वा और सुरेखा, राव साहेब और निशिकांत। लेकिन दोस्तों अब आने वाली है सबसे बड़ी नेगेटिव किरदार, यानी कि रीवा। वो रीवा जो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, लेकिन अब उसका घटिया और बहुत ही बुरा रूप सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब रीवा को पता चलेगा कि ईशान को जबरदस्ती उसकी पैसों की वजह से हथियाने की यहाँ पे सभी कोशिश कर रही है, तो ये सुनकर रीवा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ये सब कुछ उसे बताएगी दूर्वा। दूर्वा को जैसे ही पता चलेगा कि रीवा वापस आ चुकी है, उसे लगेगा कि अब सभी को ईशान दादा की लाइफ से बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों दूर्वा बहुत सारे फेक वीडियोस, बहुत सारी फेक फोटोज ईशान और सभी की इस तरीके से रीवा के आगे पेश करती है, ताकि वो रीवा को इस बात के लिए कन्विंस कर ले कि तुम्हारे ईशान को इस लड़की ने, इस दो कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की ने छीन लिया है। वो इनको जबरदस्ती अपने करीब बुलाती है, बार बार बेचारी बनती है और हमारे ईशान दादा बार बार इसकी गरीबी और इसकी मजबूरी समझकर इसकी मदद करने चले जाते हैं। देखना एक दिन ये इसी मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर जबरदस्ती भोसले परिवार की बहू बन जाएगी। लेकिन रीवा, भोसले परिवार की बहू को तो तुम्हें ही बनना था, तुम क्यों गई? ये देखकर रीवा को इतना गुस्सा आएगा और इतनी जलन होगी जिसकी कोई हद नहीं, और उसके बाद दिखेगा रीवा का असली घटिया चेहरा। वो इस हद तक गिर जाएगी कि वो सभी की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। वेल, आप लोग इस नए ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।